तो गाइस आज सुबह सुबह मैं मस्त उठा सो के एंड उसके बाद में फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर टीवी देखी जाए। तो मैं टीवी के ऊपर यूट्यूब चालू किया एंड मैंने देखी रॉनी भाई की एक वीडियो जिसमें वो एक स्टेयरिंग व्हील अनबॉक्स करता है एंड वो मेरे को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पहले आप वो देखो। है वो रेसिंग व्हील, मैंने इसको निकाल के यहाँ पर रखा है। अभी मुझे इसको यहाँ पर मेरे डेस्क पे इसको लगाना है और मैंने ये पेडल्स को यहाँ पर रख लिया है। ये चीज यहाँ पर है, अभी इसको मैं मेरे डेस्क पे लगाऊंगा और हम लोग खेलना चालू करेंगे। और भाई ये व्हील क्या मस्त है यार, क्या मस्त फीलिंग दे रही है, यही तो है। एंड इसके बाद मैंने रॉनी भाई को गेम खेलते हुए देखा इसके साथ में एंड फिर नहीं 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 ब्रेक 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 शिट 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 गाड़ी गोल घूम रही। नहीं नहीं रुक जा। ओ ये व्हाट अ रिकवरी, वाओ गाइस तुम लोग स्टीयरिंग व्हील को देखोगे, स्टीयरिंग व्हील खुद से मूव कर रहा है। देखो जैसे पत्थर पे आती ना, जब खुद से मूव कर रहा है। और फिर बस ये देखने के बाद में मैंने बोला ये जितने का भी है मैं ले रहा हूँ एंड फिर मैं अमेजोन पे गया। ओके तो गाइस अब हम अमेजोन पे आ गए एंड यहाँ पर डालते हैं रेसिंग व्हील। अब देखो 1-2 हज़ार तक का होगा ही आराम से, तो मैं ले लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। एंड 10 हज़ार 30 हज़ार भाई इतना महंगा क्या है उसमें, इतने में तो भाई मैं एक रियल गाड़ी ले लूँ, मतलब रियल गाड़ी नहीं पर मतलब इतना महंगा भी थोड़ी होता है यार। ये वही है शायद से जो रॉनी भाई खेल रहे थे 30 हज़ार, ये 8 हज़ार का है भाई, 8 हज़ार भी बहुत महंगा है यार। एंड 6 हज़ार भाई साहब इतना ज़्यादा महंगा, 17 हज़ार 10 हज़ार एंड 8 हज़ार 6 हज़ार, ये देखो ये भी 10 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार के आसपास के ही है भाई साहब, इतने ज़्यादा महंगे हैं भाई सी। ये तो इसमें तो मेरा घर जाएगा, मतलब घर नहीं जाएगा पर मेरे को घर से जाना पड़ेगा अगर मैंने ये ले लिया तो हाँ अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में अपने दोस्त से बात की जाए, हालांकि वो कुछ कर तो देगा नहीं बट फिर भी बात करने में क्या जा रहा। तो हाँ चलो लगाते उसको फोन। हेलो हेलो चिंटू। हाँ बोल। अरे वो तूने रॉनी की वीडियो देखी क्या? कौन सी वीडियो? अरे वो जिसमें वो फोर्जा होराइजन 5 खेलता है, मस्त स्टेयरिंग व्हील वगैरह लाल के रेसिंग। हाँ हाँ देखी देखी देखी, मस्त है यार, मेरे को भी चाहिए वो। हाँ तो वो ही मेरे को भी चाहिए, जरा कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या उसका? अपने को ज़्यादा नहीं, मतलब एक दो बार खेल के अगर किसी के पास हो तो दे दूँ मैं वापस। अरे यार ऐसा मतलब वो बहुत महंगा आता है, मिलता नहीं आसानी से। हाँ वो तो पता है मेरे को, तो कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या उसका? अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा, अपन वही बचपन वाली चीज़ करते। कौन सी वाली चीज़? अरे अरे बनाते अपन खुद, हाथ से बनाते उसको, पैसा कौन खर्चा करेगा? तू दो ढक्कन लेके आ, मैं फेविक्विक लेके आता हूँ, अपन घर पे बनाते उसको। हाँ ठीक है चलो घर पे बनाते हैं। हाँ चलो अब घर पे बनाते हैं। तो गाइस देखो ये हमारा स्टेयरिंग व्हील, मैंने और चिंटू ने मिलकर यही स्टेयरिंग व्हील का जुगाड़ किया है। एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको डिजाइन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमने वो स्टेयरिंग व्हील वाला लुक दे दिया, पता है इतना परफेक्ट नहीं है बट हमको सिर्फ खेलने से मतलब है। उसके बाद में फिर हमको एक पेन की जरूरत पड़ेगी एंड एक फोन कवर की जरूरत पड़ेगी एंड हमने इस फोन कवर को है ना एक क्या बोलते हैं क्या कहते हैं तुम लोग इसको, कार्डबोर्ड के पीछे चिपका दिया है एंड उसके पीछे हमने इतने सारे कार्डबोर्ड बोल रहा हूँ कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस करके इसके पीछे चिपका दिया एंड सबके बीच में होल कर दिया। तब होगा क्या, ये पेन इसके अंदर जाएगा एंड फिर हमको एक एक और ऐसा पाइप जैसा चाहिए होगा और एक ऐसा पेन का ढक्कन चाहिए होगा जिसके ये जो आगे वाली साइड है ना इसको हमने ऐसे दबा दिया। अभी ऐसा सब क्यों है मैं असेंबल करके बताता हूँ, लेकिन असेंबल होगा इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर भी हमने यहाँ पर ये देखो एक होल कर दिया है। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है? हाँ ये जो दिख रहा है ना वो कर दो। तो हाँ अब यहाँ पर हमने भी ऊपर में भी एक क्या बोलते हैं क्या कहते हैं इसे एटीएम कार्ड का स्वाइप करते हैं ना ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, का है? इसके अंदर जाएगा एक और कार्डबोर्ड जो वहाँ पे दिख रहा है एंड यही हमारा स्टैंड होगा जिसके ऊपर हमारा मोबाइल फोन रहेगा जिससे हम इस तरीके से ना स्टेयरिंग व्हील से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अब इसको असेंबल करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सब जो भी है जुगाड़ो कैसे किया एंड अब चिंटू की मदद लेनी पड़ेगी। ओके तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में ये चीज बन गई एंड ये देखो कैसे काम करेगी, क्या आवाज आ रही है। हाँ तो हमारा ये देखो ये फोन का कवर है एंड इसके अंदर ये फोन जाने वाला है और ये हमारी स्टेयरिंग व्हील। देखो अब है ना हम जो भी गेम खेलेंगे ना उसको हम रखेंगे ऐसा टिल्ट वाले मोड पे जिसमें हम फोन को ऐसे ऐसे घुमा कर खेल सकते हैं गेम को एंड फिर हमको कुछ ऐसा करना होगा। देखो दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो ना सेम फीलिंग। और अगर मैं आपके पास अगर कोई ऐसा क्या बोलते हैं ना स्मार्ट टीवी है तो हम उसमें मिरर कास्ट कर देंगे तो और ज्यादा सही लगेगा, मतलब
टीवी के अंदर हम खेलेंगे एंड ये जो डिस्प्ले है वो टीवी पे दिखेगी और हम यहाँ पर देखकर मस्त खेल सकते हैं। अब देखो इसका जुगाड़ क्या है, जो पेन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे उसको इसके अंदर से घुसा गया मैंने यहाँ पीछे से निकाला एंड ये जो मोबाइल स्टैंड है उसको मैंने इस कट के अंदर डाल के यहाँ पर जो क्या कहते हैं पेन से कुछ जुगाड़ उगाड़ भिड़ाया मैंने और यहाँ पर होल्ड करके रखा है पूरे सिस्टम को इस पाइप की मदद से। तो ये बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना अलग ही अतरंगी सी चीज है, मैंने यूट्यूब पे देख के किया बट ऑब्वियसली जैसा यूट्यूब वाले बताते हैं ना वैसा प्रॉपर नहीं होता, थोड़ा बहुत अपना खुद का दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो हाँ चिंटू और मैंने मिलकर फाइनल ये चीज बना दी है एंड अब इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट करने के लिए हमारे पास फोर्जा होराइजन 5 नहीं है जो रॉनी भाई के पास थी, तो हमने हमारे एंड्रॉइड की फोर्जा होराइजन 5 डाउनलोड की एज पर 9 लेजेंड्स। ओके सो गाइस फाइनली टेस्टिंग टाइम एंड थोड़ी सी क्वालिटी में ड्रॉप आया होगा क्योंकि ये मेरी मम्मी का फोन है एंड इसका कैमरा थोड़ा सा मतलब वो नहीं कर पा रहा, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं आपको मतलब दिख रहा है ना, तो लाइक तो करो एंड अब हम इसकी क्वालिटी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हमने गेम चालू कर दिया एंड ये हमारी फर्स्ट रेस है इस के साथ में, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड ओके कब चालूगी ये रेस, चालूगी चालूगी, चलो भागो भागो भागो, मैसेज मैसेज आ रहे हैं बच्चे, चलो चलो भाई। ओके थोड़ा सा टफ हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली आप फ़ोन के बटन से खेलते हो एंड ये एक रियल तो नहीं बोल सकते कुछ तो बोलते हैं इसको, एक स्टेयरिंग व्हील के साथ खेलते हो तो उसमें फ़र्क आता है, तो हाँ ये थोड़ा सा अजीबो गरीब सा लग रहा है बट कोई बात नहीं, मस्त बढ़िया है चलो। एंड ये रेस जीतना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे को लग रहा है, मेरे को फीलिंग आ गई ये रेस तो मैं नहीं जीतने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी हमारी यहाँ हमारी ठुकेगी आगे जाके और अभी भी थोड़ी बहुत ठुक ही रही है, तो बाकी कोई बात नहीं, बाकी सारी गाड़ियाँ एकदम खतरनाक तरीके से आगे चली गई है, तो हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड ऐसी इंटरेस्टिंग माइनक्राफ्ट की एंड अदर वीडियोस भी आती रहती है हमारे चैनल पे, तो हाँ सब्सक्राइब करो, मैं ग्रो करूँगा ना थोड़ा सा ज़्यादा तो थोड़ा और ख़तरनाक कंटेंट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कितना बाय बोलूँगा मैं, सब्सक्राइब करो भाई।